डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे, अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है, ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। आप मुझे बताइए, ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? ऐसे दल जिनके अंदर कुछ ठिकाना नहीं, वो भारत को मजबूत बना सकते हैं क्या? वो तो मजबूर बनाकर छोड़ेंगे। साथियों, मोदी पूर्वी भारत के राज्यों को, जो हिंदुस्तान का नक्शा देखें और सीधी लाइन बनाएं, तो जो पूर्वी भारत है जिसमें हमारा बिहार है, हमारा झारखंड है, हमारा बंगाल है, हमारा उड़ीसा है, ये जो पूर्वी भारत के राज्य है, ऐसे राज्यों को विकसित भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानता है। इसलिए मैं विकसित बिहार, विकसित भारत के मंत्र पर काम कर रहा हूं। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी हो, लोगों का जीवन आसान बनाने का काम हो, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने हो, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना हो, एनडीए सरकार हर दिशा में काम कर रही है। मोदी चारों दिशाओं में एक साथ काम करने का स्वभाव रखता है। मुजफ्फरपुर और बिहार के लोगों ने दशकों तक नक्सलवाद का जख्म सहा है। पहले की सरकारों ने नक्सलवाद को पाला पोसा और उसका आपके खिलाफ इस्तेमाल भी किया। अपराध हो, नक्सलवाद हो,
इसकी वजह से बिहार में उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आपको वो दिन याद है ना, जब शाम होते ही घर में छिपना पड़ता था, बाहर निकलना बंद हो जाता था। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, वो तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा क्या मुसीबत थी। अपने जरा दादा दादी पिता माता को पूछिए, जंगल राज की जिंदगी कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया था। ये एनडीए की सरकार है जो बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाई है। अब नक्सलवाद प्रभावित जिले भी तेजी से कम हो रहे हैं। जब शांति स्थापित हो रही है तो उद्योग भी लौट रहे हैं, निवेश भी आ रहा है। और आप जानते हैं, जब निवेश आता है तो रोजगार के भी मौके बढ़ाता है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी का इंडी गठबंधन भारत को बांटने में ही जुटा है। ये समाज को आपस में लड़ाकर अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगा है। आप लोग जानते हैं ना, कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने क्या किया, ये समझने जैसा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या किया, रातों रात वहां जितने भी मुस्लिम जातियां हैं सबकी सब 100% सबके सब मुसलमानों को एक रात में हुक्म निकाल करके, ऑर्डर निकाल करके ओबीसी बना दिया। इसके कारण क्या हुआ, ओबीसी को जो आरक्षण मिला था उसमें उन्होंने डाका डाला। ओबीसी जो है पहले वाले, उनके पास कोई बचा ही नहीं। अब मुझे बताइए, क्या ये मॉडल हम बिहार में लागू होने देंगे क्या? आपका आरक्षण पर कोई डाका डाले आपको मंजूर है क्या? आपका आरक्षण कोई लूट ले आपको मंजूर है क्या? और यहां बिहार में जो चारा वाले हैं, उन्होंने और भी खतरनाक बात कही है। वो तो कहते हैं कि दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो उनसे लेकर के पूरा का पूरा वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। साथियों, ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा। और जो ये दलित, पीड़ित, आदिवासी, वंचित, ओबीसी, इनका आरक्षण लूटना चाहते हैं ना, वो जरा लिख लो, ये मोदी है, जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपको न संविधान को हाथ लगाने दूंगा, न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूंगा, और न ही एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनने दूंगा। और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देगा, और ये मोदी की गारंटी है।
साथियों, हमारी प्रतिबद्धता बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करना है। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों सरकारी नौकरियां बिहार सरकार ने दी है, एनडीए सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने भी रोजगार मेलों के जरिए लाखों भर्तियों की योजना को, और हमने तो इतने सुधार किए, पहले नौकरी भर्ती में दो दो साल तो कागजी काम चलता था, मैंने इसको कम कर करके एक साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने की ताकत पैदा कर दी है। बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। बिहार में 10,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। बिहार में 400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। राज्य के गांवों में 60,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। मुझे बताइए, सारा इतना हो रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है? नौजवान को रोजगार मिले बिना ये काम होता होगा क्या? आज देश में लाखों कॉमन सर्विस सेंटर गांव गांव चल रहे हैं, ये मेरे नौजवान नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? रोजगार नहीं होता तो कैसे चलता? भाइयों और बहनों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले महंगाई की स्थिति क्या थी? तब एक ही गाना चलता था, और बिहार में तो बहुत चलता था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खात जात है। तब महीने की 20,000 की आमदनी पर कांग्रेस सरकार आके कहती थी कि टैक्स दो। आज मोदी ने ऐसा सुधार किया है कि 50-60 हजार रुपए की आय तक आपको एक नया पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। अब ये बचत हुई कि नहीं हुई? तब गरीब तो फोन भी नहीं रख सकता था, फोन करना भी महंगा था। आज तो हर किसी के पास, यहां जितने लोग बैठे हैं ना, 80% लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, और बिल भी बहुत कम आता है। साथियों, कांग्रेस सरकार में गरीब परिवार की बहनों के लिए तो रसोई चलाना और भी मुश्किल था। तब मोदी नहीं था तो आपको मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी नहीं मिलता था। मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों के 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बचाए हैं, वरना ये पैसे उनको अनाज खरीदने में जाते। 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों के जेब में बचे हैं। हमने जो मुफ्त योजनाएं चलाई है, उस मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना ने गरीबों के 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा बीमारी के समय होने वाले खर्चे मोदी कर रहा है, इसलिए आपके पैसे बच गए। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट से दवाई बेचते हैं हम। 100 रुपये की दवाई 20 रुपया, 15 रुपया, 8 रुपया ऐसे मिलती है। ये सस्ती दवाई के कारण आज देशवासियों के करीब दवाई में जो खर्चा होता था उसमें 30,000 रुपया कम होकर के 30,000 रुपये की बचत हुई है। साथियों, हर परिवार की बचत बढ़ाने वाली एक और गारंटी मोदी ने दी है। अब बिहार के हर परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है,
70 साल से ऊपर जो भी है आपके घर में, कुछ न कुछ तो दवाई लगती ही लगती है। 1000-2000 रुपए की दवाई तो लग ही जाती है। और जो बेटा मेहनत करता है, बेटी मेहनत करती है, उसी को खर्चा भोगना पड़ता है। वो अपने बच्चों के लिए खर्च नहीं कर पाता है, बुजुर्ग माँ बाप के लिए करना होता है। अब मैं आपको कहता हूं, आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में आपका बेटा बैठा है, वो खर्चा मोदी करेगा। 5 लाख रुपया तक 70 साल से ऊपर के लोगों का इलाज का खर्चा मोदी करेगा। मैं बिहार के सारे युवाओं को कहूंगा, अब ये चिंता छोड़ दीजिए कि बुजुर्ग माई बाबू के इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब उनका मुफ्त इलाज होगा और इसका इंतजाम अपने तीसरे कार्यकाल में, तीसरी बार जब मैं सरकार बनाऊंगा, मोदी खुद इस काम को करेगा। साथियों, कांग्रेस के समय में ये बल्ब आता है ना, लट्टू, एक एलईडी बल्ब 400 रुपये में आता था। मोदी ने इसकी कीमत घटाकर 40-50 रुपये कर दी। घर घर में सस्ता एलईडी बल्ब पहुंचाकर भी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग की बिजली बिल में 20,000 करोड़ रुपये बचाए हैं। साथियों, मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली भी एक और योजना बनाई है, डबल मुनाफा। इस योजना से आपकी बिजली का बिल हो जाएगा 0। बिजली का बिल, जरा बोलो ना, बिजली का बिल, बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, और उसका रजिस्ट्रेशन चालू है। सरकार ये योजना लॉन्च कर दी है। आपको भी मैं कहूंगा, ऑनलाइन जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपया देगी। 75,000 रुपया, जितनी बिजली चाहिए मुफ्त उपयोग करो, बाकी बिजली सरकार को बेच दो। यानी आप घर का बिजली का बिल 0, ऊपर से बिजली बेच करके कमाई, ये योजना मोदी लाया है। भाइयों और बहनों, किसानों का हित एनडीए की प्राथमिकता है। बिहार के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 22,000 करोड़ रुपये मिले हैं। 22,000 करोड़ आंकड़ा छोटा नहीं है जी, उसकी जेब में 22,000 करोड़ रुपया गया है। बिहार के गांव में 22,000 करोड़ रुपया जाता है ना, तो बिहार की इकोनॉमी दौड़ने लगती है। इससे यहां लीची, आम और दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को बहुत फायदा हुआ है। ये हमारी सरकार है जिसने मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग दिया है। अब बीजेपी ने एक और बड़ी घोषणा की है, आने वाले 5 साल में हम फल सब्जियों के लिए विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाने वाले हैं। यही नहीं, आने वाले 5 साल में फूड प्रोसेसिंग के लिए भी हम तेजी से काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता
मछली पालन से जुड़े भाई बहन भी है। इन्हें मत्स्य संपदा योजना से हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये हमारी ही सरकार है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड से मछुआरों को भी जोड़ा है और देश में पहली बार मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 75 साल हुआ किसी ने नहीं बनाया, मोदी ने बनाया मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट, अलग योजना, सिर्फ और सिर्फ मछुआरों के लिए। साथियों, बिहार में रेल, रोड, एयरपोर्ट जितने भी काम यहां चल रहे हैं वो तेजी से पूरे हो, बिहार विकसित होने के रास्ते पर तेजी से चले, इसके लिए मुजफ्फरपुर से हमारे साथी राजभूषण चौधरी निषाद जी और वैशाली से वीणा देवी जी को भारी वोटों से विजयी बनाना है। और जब आप इनको वोट देंगे ना तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेगा, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा दोगे, हर परिवार में पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now स्वदेश।